करना ही है अपने परिवार के साथ, और प्रशासन पुलिस जो है उनको सपोर्ट कीजिए, उनको अपने अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो अपने महीना घर में इबादत महीना भर की है, वही उसी तरह से ईद के दिन भी अपने घर में इबादत करके अपनी ईद मनाई है। सभी को मैंने फिर भी दिल से एक बार ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, और संतोष उमर कोटे भाई की तरफ से भी ईद मुबारक पूर्णवासियों को देता हूँ। ये ईद दुनिया में पहली बार इतनी सुनी ईद मनाई जा रही है, और ये कोरोना बीमारी की वजह से सब तरफ लॉकडाउन है, हर मजदूर हर आदमी परेशान है, और हर जो भी रोजे जो रख रहे हैं अल्लाह की नियामत है वो, और लोगों के इस महीने में लोगों ने दुआ की है कि कोरोना बीमारी चले जाए। इंशाल्लाह ये महीने में चले जाएंगी।